वेलकम फ्रेंड्स, दोस्तों आज बात करते हैं दुनिया के पांच एक्टिव वॉल्केनोज के बारे में। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी एंडीज माउंटेन में एक एक्टिव स्टेटो वॉल्केनो है जो कोटोपैक्सी डिस्ट्रिक्ट के लदांगुआ शहर में स्थित है। क्वेटो से साउथ में लगभग 50 किलोमीटर और लदांगुआ इक्वाडोर शहर के 31 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में है। यह इक्वाडोर का सेकेंड हाईएस्ट पीक है जिसकी ऊंचाई 5,897 मीटर है। कोटोपैक्सी दुनिया के सबसे ऊंचे एक्टिव वॉल्केनोज में एक है। इसका सबसे रिसेंट इरप्शन 14 अगस्त 2015 को शुरू हुआ था जो 24 जनवरी 2016 को समाप्त हुआ। कोटोपैक्सी को 87 टाइम्स इरप्शन के लिए जाना जाता है जिसके परिणाम स्वरूप वॉल्केनो के चारों ओर मड फ्लो द्वारा बनाई गई कई वैलीज का निर्माण हुआ। एक क्लियर डे में कोटोपैक्सी लतांगुआ और क्वेटो शहर से स्काईलाइन के रूप में देखा जा सकता है। यह प्रशांत प्लेटों के चारों ओर वॉल्केनो सीरीज का हिस्सा है जिसे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के रूप में जाना जाता है। वॉल्केन डिफ्यूजो। वॉल्केन डिफ्यूजो स्पेनिश वर्ड है। यह ग्वाटेमाला में एक एक्टिव स्टेटो वॉल्केनो है। यह चिमा इटिनेंगो, इस्क्यूइंटला और सैकाटेपेक्वेज के बॉर्डर पर है। यह ग्वाटेमाला के सबसे फेमस सिटी में से एक और एक टूरिस्ट प्लेस एंटीगुआ के साउथ में लगभग 16 किलोमीटर की डिस्टेंस पर स्थित है। यह स्पेनिश कैनक्वेस्ट के बाद से फ्रिक्वेंटली इरप्ट हुआ है और रिसेंटली 23 सितंबर 2021 को इरप्ट हुआ और ऑनगोइंग है। फ्योगो लो लेवल पर कॉन्स्टेंटली एक्टिव रहने के लिए फेमस है। हर 15 से 20 मिनट में छोटी गैस और राख का विस्फोट होता है लेकिन बड़े विस्फोट दुर्लभ हैं। माउंट एटना। माउंट एटना एक एक्टिव स्टेटो वॉल्केनो है। यह सिसिली इटली के ईस्ट कोस्ट पर मैसिना और कैटिनिया शहरों के बीच कैटिनिया के मेट्रोपॉलिटन सिटी में स्थित है। यह अफ्रीकी प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन के ऊपर स्थित है। यह यूरोप में सबसे हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो में से एक है और आल्प्स के साउथ में इटली के सबसे टॉलेस्ट पीक है। इसकी प्रेजेंट हाइट 3,357 मीटर है। हालांकि इसकी हाइट इरप्शन के साथ बदलती रहती है। 2021 में 6 मंथ एटना में इतनी अधिक वॉल्केनो इरप्शन हुआ कि इसकी हाइट लगभग 100 फीट बढ़ गई और साउथ ईस्टर्न क्रेटर अब वॉल्केनो का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। माउंट न्यारागोंगो। माउंट न्यारागोंगो अल्बर्टाइन रिफ से जुड़े विरुंगा माउंटेन में 3,470 की हाइट के साथ एक एक्टिव स्टेटो वॉल्केनो है। यह विरुंगा नेशनल पार्क के अंदर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में गोमा सिटी के नॉर्थ में लगभग 12 किलोमीटर और किवू लेक और रवांडा बॉर्डर के वेस्ट में स्थित है। मेन क्रेटर लगभग 2 किलोमीटर चौड़ा और इसमें यूजुअली एक लावा लेक होती है। प्रेजेंटली क्रेटरों की दीवारों के भीतर दो अलग अलग कूल्ड लावा बेंच हैं, एक लगभग 3,175 मीटर और लोअर लगभग 2,975 मीटर है। माउंट गुनुंग मेरापी। माउंट गुनुंग मेरापी सेंट्रल जावा प्रोविंस और इंडोनेशिया के योगकार्टा के स्पेशल रीजन के बॉर्डर पर स्थित एक एक्टिव स्टेटो वॉल्केनो है। यह इंडोनेशिया में सबसे एक्टिव वॉल्केनो है और 1548 से रेगुलरली इरप्ट हो रहा है। यह योगकार्टा शहर के नॉर्थ में लगभग 28 किलोमीटर की डिस्टेंस पर स्थित है जिसकी पॉपुलेशन 2.5 मिलियन है और हजारों लोग वॉल्केनो के किनारे समुद्र तल से 1700 मीटर की ऊंचाई के गांवों में रहते हैं। पहाड़ की चोटी से अक्सर धुआं निकलता देखा जा सकता है और कई विस्फोटों ने लोगों की जानें भी ली हैं। 22 नवंबर 1994 को एक बड़े विस्फोट में से एक पायरोक्लास्टिक फ्लो में 27 लोगों की मौत हो गई थी। ज़्यादातर डैमेज वॉल्केनो के साउथ में मुंतिलान शहर में हुआ। धन्यवाद दोस्तों।